एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो लास्ट लेक्चर में कुछ एक पॉइंट्स हमारे रह गए थे टेबल्स को लेकर, ठीक है। तो हमने टेबल क्रिएट किया था, टेबल टैग के बारे में पढ़ा था कि टेबल टैग से टेबल हम डिफाइन करते हैं, टीआर से टेबल रो बनती है, टीडी से कॉलम बनता है, टीएच से टेबल का हम हेडिंग देते हैं, ठीक है। विड्थ टेबल की विड्थ को स्पेसिफाई करता है, बॉर्डर बॉर्डर के लिए, फ्रेम फ्रेम के लिए यूज होता है, और उसके अपने अलग से एट्रीब्यूट्स हैं फ्रेम टैग के, ठीक है। सेल स्पेसिंग हमने कर लिया था, अलाइनमेंट हमने कर लिया था, बीजी कलर बैकग्राउंड से हमने इमेज रखी थी टेबल के लिए। अब जो लास्ट में हमारे जो टैग्स बच गए हैं, इसके एट्रीब्यूट्स बच गए हैं, वो कॉल स्पैन है, रो स्पैन है और सेल स्टैटिक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉल स्पैन को देखते हैं। यहाँ पे कॉल स्पैन क्या होता है? कॉल स्पैन मतलब कि कॉलम को एक्सपेंड करना या उसको स्ट्रेच करना, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बोले तो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं ना, मल्टीपल सेल्स को हम मर्ज कर देते हैं और एक सेल बना देते हैं, पूरे का पूरा एक ही कॉलम बना देते हैं। तो कॉल स्पैन जो है वो उस काम आता है एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इन साइड टीडी, टीडी के अंदर ही हम इसको यूज करते हैं, टेल्स द ब्राउज़र टू स्ट्रेच और मर्ज द कॉलम और सेल, मेक मोर देन वन कॉलम्स इन ए सिंगल कॉलम अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, ठीक है। तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट जो है वो हम टीडी टैग के अंदर यूज करते हैं, जो ब्राउज़र को बोलता है कि वो स्ट्रेच करे या फिर मर्ज करे कॉलम को या सेल को, या फिर या एक काम और कर सकते हैं कि वी कैन मेक मोर देन वन कॉलम इन ए सिंगल कॉलम, हम एक कॉलम के अंदर बहुत सारे कॉलम बना सकते हैं उसके लिए, या एक पूरे के पूरे कॉलम का एक ही कॉलम बना देना, ठीक है। तो ये दोनों काम जो है वो उसी चीज को हम बोल रहे हैं, या तो मर्ज कर लो, या हालांकि होता है ये स्ट्रेच ही है आगे को, जब हम मर्ज करते हैं तो कि कॉलम जो होता है ना वो खुल के स्ट्रेच हो जाता है, बाकी जो लाइंस है वो डिलीट हो जाती हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाता हूँ, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर कॉलम और टू रोज का है टेबल, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ऊपर वाले जो हैं कॉलम, मैं इनको कर रहा हूँ सिलेक्ट और राइट क्लिक करके मैं इनको कर देता हूँ मर्ज। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं कॉल स्पैन, ठीक है। यानी कि स्ट्रेच होके एक ही बन रहा है ये कॉलम, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम और भी कॉलम बना सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करूँ तो मैं कॉलम के अंदर भी कॉलम बना सकता हूँ क्लिक सेल्स करके, ठीक है। या इसके अंदर मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ इसके अंदर ही, ये देखो इंसर्ट, और यहाँ पे टेबल पे जाके, और देखो इसके अंदर ही, देखो कॉलम के अंदर ही, देखो ऊपर बन रहे हैं सारे के सारे सेल्स, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉल स्पैन करना, ठीक है। जो काम मैंने यहाँ पे किया भी, इनको सिलेक्ट करके मर्ज किया, वही चीज जो है हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कॉल स्पैन में। तो चलिए चलते हैं ड्रीम वीवर के अंदर। तो मैं ड्रीम वीवर को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो हम एक टेबल ही बनाएंगे, उसमें जैसे यहाँ पे बनाए थे ना मैंने फोर कॉलम बनाए थे, रोज हम तीन बना लेंगे, ठीक है। तो HTML को मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने, और इसका नाम मैंने रखा यहाँ पे स्पैन न्यू डॉट HTML करके मैंने इसका नाम, ठीक है, स्पैन न्यू डॉट HTML, और ये सेव कर दिया मैंने इसको सर्वर के अंदर। तो सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ साथ में। ओके, ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ब्राउजर भी स्टार्ट ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोड के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल, एक बॉर्डर लगा रहा हूँ इसके लिए एक, ठीक है। पहले तो हम बना लेते हैं नीचे इसकी रोज और कॉलम्स, ठीक है। तो रोज के लिए मैं यहाँ पे टी आर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे टी आर को मैंने क्लोज किया, और टी आर के अंदर यानी कि रो के अंदर बनेंगे, पहले तो हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हेडिंग में हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है, नेम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे टी एच, टेबल हेडिंग नेम रोल नंबर क्लास, ठीक है, टी एच क्लोज, टी एच नेम रोल नंबर क्लास आ गया, और यहाँ पे आ गए मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे टी एच को क्लोज करूंगा मैं, यहाँ पे टी डी लिखी है, ठीक है, ये टी एच क्लोज, ठीक है। एक रो ये बन गई, सेव कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको हम रन कर लेते हैं ब्राउजर के ऊपर साथ साथ में, ठीक है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ पोस्ट पे, इसका नाम रखा था हमने स्पैन
new.html, ठीक है। तो ये हमारा टेबल के जो हेडिंग है वो ये आ गए ऊपर, ठीक है, नेम, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स, ठीक है। तो इसके बाद एक और हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर हम, तो एक और नई टी आर बना के, एक नई टी आर बनाएंगे। उस टी आर के अंदर सेम जैसे यहाँ पे चार कॉलम बनाए थे हेडिंग के लिए, सेम वैसे ही हम यहाँ पे चार कॉलम बनाते हैं, टी डी, ये टी डी वन, ये टी डी और ये टी डी वन, ये टी डी और ये टी डी वन, ये टी डी और ये टी डी वन, ठीक है। तो ये चार बनाए, देखो खाली बनाए, इनके बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम भरना हो, चलो ऐसे देख लेते हैं पहले इनको खाली की कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे इस तरह से बने बने नजर आ रहे हैं, ये बने नीचे खाली, जैसे इनके अंदर हम कुछ लिख देंगे तो अपने आप जो है ये यहाँ पे स्पेस कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने राकेश, रोल नंबर 101, और यहाँ पे आ गई उसकी क्लास 11th, और यहाँ पे उसके मार्क्स आ गए 445, ठीक है, 455। तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड भी फिल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक और रिकॉर्ड जो इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक और नई रो ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक नई टी आर ली और यहाँ पे टी आर को क्लोज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया फिर टी डी टैग, यहाँ पे टी डी बंद, फिर टी डी, फिर टी डी बंद, टी डी तीन हो गए, ये टी डी शुरू और यहाँ पे टी डी बंद। तो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड भर देते हैं जैसे सोनल, ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर आ गया 102, यहाँ पे क्लास आ गई 11th, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स आ गए 499, ठीक है। इसको भी मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। इसमें तीन रोज हैं, 1, 2, 3, ठीक है, तीन रोज हैं, और ऊपर जो है कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम्स, 3 रोज हैं, ठीक है। अब देखो मान लो हमने यहाँ पे लिखना है ऊपर, यहाँ पे लिखना है हमने स्कूल का नाम, ठीक है, GSS कक्कड़, ठीक है। तो उसके इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर आएगा टॉप पे ये, ठीक है। तो मैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और रो बनाना पड़ेगी, ठीक है, टी आर, ठीक है, और यहाँ पे टी आर क्लोज, और यहाँ पे बनेगा एक कॉलम, ठीक है, उसके अंदर लिखेंगे, या टी एच बोल लो इसको, ठीक है, टी एच बोल लो, टी एच के अंदर भी यूज कर सकते हैं, टी डी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं टी डी लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे टी डी क्लोज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GSS, ठीक है, ये सेव। अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा जो ये नाम है हमें पूरे के पूरे इस कॉलम के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली करता क्या है, थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सिंगल कॉलम है ना, तो उसको ये क्या करेगा, स्ट्रेच कर देगा। कितने के बराबर स्ट्रेच करना है, जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम के बराबर इसको स्ट्रेच कर दे। तो हम यहाँ पे फिर यूज करते हैं कॉल स्पैन, इस काम के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉल स्पैन, कर दे ये स्ट्रेच कर दे ये 4 कॉलम्स के इक्वल, 1, 2, 3, 4, 4 के बराबर इसको स्ट्रेच कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, तो ये आगे देखो इसने क्या किया, मर्ज भी किया एक तरह से, हालांकि करता क्या है ये स्ट्रेच करता है। इसलिए वहां पे मैंने जो थ्योरी में लिखा हुआ है, थ्योरी में मैंने ये चीज लिखी हुई कि द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इनसाइड टीडी टेल्स द ब्राउज़र टू स्ट्रेच करे या मर्ज करे दी कॉलम और सेल, मेक मोर देन वन कॉलम्स, और इसके अलावा हम कॉलम भी बना सकते हैं और भी इसके अंदर, इन ए सिंगल कॉलम अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी कॉल स्पैन के साथ, ये जो वैल्यू दी हमने अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, इसने क्या किया स्पैन कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं हम कॉल स्पैन, इसने ये कॉलम को स्ट्रेच कर रहा है ये। अब यहाँ पे इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी हम यहाँ से, वो तो हम यहाँ से टी डी से सेट कर सकते हैं, अलाइन जो है सेंटर, ठीक है। तो इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में आ जाएगी, ठीक है, जी एस एस कक्कड़ आ जाएगा सेंटर में इस तरह से, ठीक है। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं कॉल स्पैन। अब बात करते हैं रो स्पैन की, यहाँ को होते हैं कॉलम्स ऊपर को, ठीक है। तो नीचे को अगर हम यहाँ को स्ट्रेच करें, इसको यहाँ को नीचे को इसको हम स्ट्रेच करें, तो इसको हम बोलेंगे रो स्पैन, ठीक है। तो क्योंकि ये रो को करेगा स्ट्रेच, नीचे को होगा तो वही है, सेल ही है, कॉलम ही है, उसी को कर रहा है, लेकिन नीचे को इकट्ठा जब ये मिलाएगा रो के हिसाब से मिलाएगा रोज को आपस में, तो इसको हम रो स्पैन बोल रहे हैं, क्योंकि ये रो को उस तरह से स्ट्रेच कर रहा है कॉलम को रो की तरफ को, ठीक है, यहाँ को कॉलम की तरफ को कर रहा है और यहाँ को रो की तरफ करेगा, तो उसको हम रो स्पैन बोल देंगे। अब इसको कैसे करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या करना है,
ये जो नेम है राकेश है और सोनल है, मैं इन दोनों को, इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। या फिर एक और बना लेते हैं एक्स्ट्रा, या तो मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे नेम है ना यहाँ पे, मैं इसको खाली कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ये नेम को खाली किया, यहाँ पे मैंने राकेश को भी खाली कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे सोनल को भी मैंने खाली कर दिया, ठीक है, ओके डन, ठीक है, खाली कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिकॉर्ड खाली हुए कि नहीं, ये देखो ये खाली हो गए यहाँ से, ठीक है, ये खाली हो गए सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ से, ठीक है, ये वाले कॉलम सारे खाली हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना है, ठीक है। तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जो टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमने टीएच में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रोस्पैन, ठीक है, रोस्पैन, और रोस्पैन में क्या करेगा, ये कौन कौन सी रो को करेगा ये, अब देखो ना यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें। रोस्पैन लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने टी एच है, ये टेबल हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा रोस्पैन, तो कौन से करेगा ये, देखो ये जो है ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये सेकंड रो है, ठीक है, ये थर्ड रो है, और इस थर्ड रो का पहले तो ये है ना, सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम, थर्ड रो का पहला कॉलम, और फोर्थ रो का पहला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे रोस्पैन जो नीचे को आएगा ये, तो नीचे को है ये इस तरह से, तीन को करेगा ये नीचे को, ठीक है, और तीन को किस किस को करेगा ये वन, ये टू और ये थ्री, जो हमने खाली छोड़े हुए हैं, और जो खाली छोड़े हुए हैं इनको हमें करना पड़ेगा यहां से डिलीट, ठीक है, डिलीट, ये भी डिलीट, और इसमें तो कॉल स्पैन लगा हुआ है इसके ऊपर, रो स्पैन लगा हुआ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी आउटपुट, तो ये देखो ये मिलके एक ही हो गया ये सारा का सारा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ ना बीच में, तब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे मान लो लिख दिया यहाँ पे लिखता हूँ मैं हमीरपुर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हमीरपुर, तो ये देखो हमीरपुर, ठीक है, इनको मिलाया था हमने आपस, ठीक है। आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर होगी होगी कि ये जो कॉल स्पैन है वो कॉलम को स्ट्रेच करता है, और जो रोज स्पैन है वो रोज को स्ट्रेच करता है, या उस मान लो एक तरह से दूसरी चीज बोले तो मर्ज करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब यहाँ पे मान लो हमारे पास जो ये है इस तरह से, अब हम यहाँ पे करते हैं इनको आपस में मिलाते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं इस तरह से, मान लो इनको करना है मर्ज, तो ये हो गया देखो मर्ज, ठीक है, और नीचे को करेंगे तो वो रो होगी, ये राइट क्लिक किया और ये मर्ज, तो सेम यही काम हुआ वहाँ पे, ठीक है, जो काम हमने वहाँ पे किया वही काम जो है यहाँ पे हुआ, ठीक है, जीएसएस कक्कड़, और यहाँ पे जैसे मान लो हमीरपुर, ठीक है, तो जीएसएस कक्कड़ जो है वो आ जाएगा इस तरह से, ओम में यहाँ पे सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर में, ठीक है, तो यही काम हुआ वहां पे, ठीक है, जो काम यहाँ पे हुआ वही चीज जो है वहां पे हुई, ठीक है। तो ये काम जो किया, आई थिंक कॉल स्पैन आपको अच्छे से समझ आया होगा, रो स्पैन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, तो रो स्पैन जो मैंने किया, तो रो स्पैन जहां पे हमने करना है मिलाना है, तो हमने क्या करना था, रो नंबर के ऊपर साथ वाला था यहाँ पे कॉलम, ठीक है। अगर मैं इसको अंडू कर दूं, हटा देता हूँ मैं पहले, फिर से वैसे ही कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे था, यहाँ पे राकेश, यहाँ पे नेम, फिर से मैं सेव कर रहा हूँ, फिर से उसी पोजिशन में वापिस कर रहा हूँ उसको, ठीक है, तो यहाँ पे था नेम राकेश सोनल, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा बना लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर जो बनाया हुआ था ना हमने, इसको एक्सपेंड किया हुआ था, तो यहाँ पे था हमारे पास यहाँ पे थे चार कॉलम, और नीचे तीन चार ही कॉलम है, और नीचे को चार ही रोज हैं ये, ठीक है, चार कॉलम और चार ही रोज है, ये देखो चार ही टी आर ली, चार बार ही टी आर को यूज किया, और चार ही बार जो है ये इतना है यहाँ पे, हाँ ठीक है, टी आर को भी हमने चार बार यूज किया हुआ, ठीक है, टी आर मतलब चार रो हैं, एक टी आर, देखो एक टी आर ये, एक टी आर दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी बार ये नीचे, ठीक है, चार टी आर हैं, और रिकॉर्ड भी हमने इसके अंदर चार ही भरे हुए, कॉलम तीन चार, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉल स्पैन भी हम क्या कितना कर लेते हैं यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ खाली वाला, ठीक है, TH, ठीक है, और TH यहाँ पे क्लोज, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी मैं एक TH यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे TD है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ TD, यहाँ पे TD क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे भी, यहाँ पे भी TD और यहाँ पे TD क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है फिर से वैसे बन गए कॉलम खाली वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 की होगा तो 5 के बराबर ही स्ट्रेच होगा ये, ठीक है। तो ये देखो ये आ गए यहाँ पे हमारे पास खाली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनके अंदर कुछ भर भी दूँ, यहाँ पे मान लो मैं इस तरह से डॉट डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी डॉट डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी डॉट डॉट लगा देता हूँ दिखाने के लिए कि वाकई में है। ये देखो ये बना हुआ है, मान लो इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये वाला जो है इसको करेंगे हम स्ट्रेच, इनको तो हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं अगर स्ट्रेच करता हूँ, देखो ये वाला मैं डिलीट नहीं करूंगा, तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, स्ट्रेच कैसे होगा, तो ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोस्पैन, और यहाँ पे लिख देता हूँ रोस्पैनिंग के लिए कौन कौन सा है। तो रोस्पैन के लिए एक तो ये हो गया, ये पहली रो है ना, ये दूसरी रो का पहला कॉलम, ठीक है, और ये तीसरी का और ये चौथी रो का पहला कॉलम है, ठीक है। तो कितने करने हैं इसने, 1, 2 और ये 3 करने हैं इसने, तो 3 ही लिखूंगा मैं सिंपल यहाँ पे, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रोस्पैन में लिख दूंगा 3 करनी है हमने रोस्पैन, ठीक है। किस किस को करना है, एक ये करना है, एक ये करना है, और ये हालांकि हम इसको कर रहे हैं, ये थोड़ा ना है, ये तो हम डिलीट कर रहे हैं तब जाके हमें लग रहा है कि मिल रहा है, एक्चुअल में ये स्ट्रेच होगा और इनको ये धकेल देता है बाहर को, तभी हम इनको डिलीट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये देखो ये धकेल देता है इनको एक्चुअल में, इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ता है, डिलीट, तब जाके हमें नजर आता है कि बाकी में ये मर्ज हुए हैं, हालांकि उतना स्ट्रेच है ये स्ट्रेच होता है कॉलम। अब ये जो दो है जो बाहर निकल रहे हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, जैसे ये है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इसको 3 जो है रो स्पैन किए हुए हैं, तो ये नीचे को स्पैनिंग करेगा तो ये इनको मिलाएगा फिर आपस में, सॉरी मिलाएगा नहीं, इसको स्ट्रेच करेगा, तो ये हमें हटाना पड़ेंगे यहाँ से, तो फिर ये दिखाता है जैसे मर्ज हुए हैं, ये देखो, हालांकि होता है ऐसे है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे अब यहाँ पे हमीरपुर, ठीक है। तो ये वाली चीज है यहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन, ये कॉलम स्पैन, ये नीचे को रो स्पैन हो गया, ठीक है। तो ये चीज भी आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक लास्ट में एट्रीब्यूट बचता है हमारा सेल पैडिंग वाला, तो सेल पैडिंग जो है वो क्या करता है, पहले तो इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं सेल पैडिंग की। सेल में पैड करना, सेल में स्पेसिंग करने का काम करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है ये। द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इनसाइड टेबल टैग, इसको हम टेबल टैग के अंदर यूज करते हैं, कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन द डाटा इन ए सेल एंड द बाउंड्रीज ऑफ द सेल। सेल के बीच में जो हम लिखते हैं ना डाटा, जो कुछ भी भर रहे हैं सेल के अंदर, टेबल के अंदर, उनके बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करती है सेल पैडिंग, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी हमारे पास यहाँ पे है, तो ये देखो अभी जितना जितना ये स्पेस है इनके अंदर, ठीक है, इसको मान लो बढ़ाना है और बीच जैसे में नजर आए ये, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टेबल के अंदर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल पैडिंग, ठीक है। तो सेल पैडिंग मान लो 2 की कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश। तो ये देखो स्पेसिंग बढ़ रही है ना, अगर 2 की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, ठीक है, तो 10 में ये देखो बढ़ गई ना स्पेसिंग बीच की। तो सेल पैडिंग का काम है मेंटेन और एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द डेटा ऑफ द सेल, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला एग्जांपल जो है आपने कॉपी पे लिख लेना है, लास्ट में वीडियो को पॉज करके आप इस एग्जांपल को लिख सकते हैं, सारा का सारा मैं आप एग्जांपल जो है आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से लास्ट में, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया HTML का। HTML में जो मेन चीज रहती है आपको कि हम एप्लीकेशन के कंट्रोल्स कैसे बनाते हैं, वो चीज जो है मैंने आपको दिखानी है, यानी कि ये जो बनते हैं सारी चीजें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ आपको पीछे जहाँ से हमने इसको शुरू किया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो फील्ड्स बनती हैं, ये सारे कंट्रोल्स, ये बटन जो बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको
नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप अपने जो भी है कॉपी सारी प्रिपेयर रखिए और अपनी कॉपीज को होमवर्क को चेक करवाते रहिए साथ साथ में, ठीक है। आपकी रिपोर्ट बनती है, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड्स भी बनेंगे आपके कि आपने क्या किया हुआ है जो भी घर पे आप रह रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी था, कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।